बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इस जुलूस इस एहतजाज पे शरीक अपनी तमाम माओ बहनों भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी अजमत को आप सबकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूं कि आप अपनी बुनियादी इंसानी मुतालबात लेकर आज यहां पर निकले हैं। उन हालात में जब हक की बात करना एक जुर्म है, जब अपने हक के लिए आवाज उठाना एक जुर्म है, और जब अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों पर केमिकल मिला पानी फेंक दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल जो भी आज इस एहतजाज में शरीक है, मैं उनको सुर्ख सलाम पेश करता हूं। मैं हकूक खल्क मूवमेंट और इस मार्च के ऑर्गेनाइजर्स का भी इंतहाई दर्जे मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे दावत दी और इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के मुतालबात को लेकर आप लोगों के साथ ही आगे बढ़ूं। साथियों, आज हमारी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मीटिंग भी थी, लेकिन जो उनके मार्च के ऑर्गेनाइजर्स के साथ मेरे पहले से ही कमिटमेंट हो चुकी थी, तो मैंने उनसे मुतालबा ये किया कि मैं जूम के जरिए आपके साथ मीटिंग में शिरकत करूंगा। और अभी भी जब मैं इस एहतजाज में आ रहा था तो हमारी मीटिंग जारी थी और मैंने उनसे थोड़ी सी इजाजत थी कि मैं आपके इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकूं। साथियों, यहाँ पर मसाइल जितने भी हैं उस पर तफसीली बात हो भी चुकी है, बार बार होती भी आ रही है। यहाँ पर मसाइल हैं स्टूडेंट्स के, यहाँ पर मसाइल हैं पश्तून और बलोच तलबा के स्कॉलरशिप्स के, यहाँ पर मसाइल हैं मजदूरों के, यहाँ पर मसाइल हैं डॉक्टर्स के, यहाँ पर मसाइल हैं वकला के, यहाँ पर इस मौजूदा निजाम में पाकिस्तान का हर एक इदारा मफलूज है, पाकिस्तान का हर एक इदारा पैरालाइज हो चुका है। यहाँ पर पाकिस्तान के सहाफी जेरे एताब है, पाकिस्तान के सहाफियों से उनका निवाला छीना जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट को भी कंट्रोल किया जा चुका है। तो इस कंट्रोल्ड माहौल को, इस पैरालाइज माहौल को, इस मफलूज शुदा निजाम को आजाद करने के लिए आप आज जितनी तादाद में निकले हैं, कल इससे भी ज्यादा निकलना होगा, कल इससे भी दुगनी तादाद में निकलना होगा, और इस मुल्क के तमाम इदारे को, इस मुल्क की आवाम को जब तक हम हकीकी मानों में आजाद नहीं कर पाते, तब तक इंशाल्लाह हमारी और आपकी जद्दोजहद जारी रहेगी। साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब से ये हुकूमतें बदलती रहती है, लेकिन हमारी किस्मत नहीं बदलती, लेकिन हुकूमतों में भी बास तो ऐसे है, बास वक्त अवकात तो हमें ऐसे हालात देखने को मिलते हैं जिसके हमें माजी में कोई मिसाल देखने को नहीं मिलती। ये हुकूमत जब से आई है, इंसानी हुकूक नाम की चीज हमारी रियासत से बिल्कुल गायब हो चुकी है, इंसानी हुकूक नाम की चीज देखने को नहीं मिलती। ये हुकूमत जब से आई है, ये तालीम
तालीम का जो बुनियादी इंसानी हक है वो हमारे तलबा से छीन रहे हैं, बलूच और पश्तून स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप को ये छीन रहे हैं। और बार बार इंतहाई शर्म का मुकाम है कि बार बार पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी मीटिंग्स में भी उनके जो जिम्मेदारान है वो वादा करते हैं कि इस मसले को हम हल करके देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन मसाइल को हल नहीं करते। यहाँ पर अब जब मैं आ रहा था तो यहाँ पर हमारे जो पश्तून ताजर है उन्होंने भी अपने मसाइल हमें बताए कि यहाँ पर पंजाब पुलिस उनसे पत्ता लेती है, पत्ता खोरी करती है, इंतहाई शर्म का मुकाम है। उनके उनके तिजारती मराकज पर छापे मारे जाते हैं, उनके सामान को लूटा जाता है, यहाँ पर रेस्टोरेंट पर फायरिंग की जाती है, यहाँ पर जो लोग दूसरे सूबों से आते हैं उनके साथ इस तरीके के बर्ताव किया जाता है जैसे वो किसी और मुल्क से किसी दूसरे मुल्क से यहाँ पर आए हो। हम इस स्टेज से यह भी मुतालबा करते हैं कि इस रेशियल प्रोफाइलिंग का भी खात्मा किया जाए और जो हुकूक इस मुल्क के आईन और कानून ने दिए हैं वो इन तमाम शहरियों को दिए जाए, चाहे वो खैबर पश्तूनख्वा के हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हैं, चाहे वो सिंध के हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं। यहाँ पर आपने देखा कि पीएमडीसी के इदारे को खत्म किया गया और रातों रात एक नए इदारे का वजूद अमल में लाया गया, और फिर मेडिकल सेक्टर में प्राइवेट माफिया को नवाजने के लिए एक अलग से एग्जाम रखा गया है। वो इतना भी नहीं सोचते कि ये जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम ये लोग रख रहे हैं ये वो खुद ही अपनी नाकामी का एतराफ एक तरीके से कर रहे हैं, ये वो खुद ही अपनी अपनी जो इम्तिहानी अपनी निजाम है वो उस पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो हम ये भी मुतालबा करते हैं कि वो जो नया पीएमडीसी का ऑर्डिनेंस है उसको फौरन वापस लिया जाए। यहाँ पर चूंकि जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हर एक तबका जेर एताप है, यहाँ का हर एक तबका जेर एताप है, यहाँ पर सहाफियों के हुकूक नहीं है, यहाँ पर खवातीन के हुकूक नहीं है, और हम देख रहे हैं कि जितनी बेशर्मी और जितनी हठधर्मी का मुजाहरा इस मौजूदा हुकूमत में हमें देखने को मिला इससे पहले हमें नहीं देखने को मिला। हमारी खवातीन जो सहाफिया को सहाफी है उनको ऑनलाइन हेरासमेंट का निशाना बनाया जाता है और उसमें अक्सरियत इन्हीं जो मौजूदा जो बरसर इकतदार सियासी कुव्वत है उन्हीं के सियासी वर्कर्स और आगे प्यार के ट्रोल्स होते हैं वो उसके साथ साथ यहाँ पर अगर ज्यादती होती है, अगर यहाँ पर खवातीन के साथ ज्यादती होती है उसके खिलाफ जब आवाज उठती है तो यहाँ पर एक मौसूफ सीसीपीओ साहब होते हैं वो बजाय इंसाफ दिलाने के उल्टा उन खवातीन को उनके ऊपर जुमले कसते हैं और पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम पूरी की पूरी पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासी जमातें अगर उस पर एतराज करती हैं उसके बावजूद भी उस फर्द को हटाया नहीं जाता। इसका मकसद यह है उसका मकसद यही है कि इस मौसूफ ने इसी मौजूदा हुक्मरानों के नजरियात को आगे बढ़ाया है तो हम उसकी भी शदीद मुज़म्मत करते हैं। आखिर में साथियों मैं एक दफा फिर यहाँ पर इब्राहिम फाइबर के वर्कर्स जो फैसलाबाद में है उनके 3,500 के करीब मुलाजमीन को निकाला है, हम इंशाल्लाह उनकी आवाज बनेंगे, पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी उनके लिए आवाज उठाएंगे,
पाकिस्तान की गली मोहल्लों में भी उनके लिए आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान के इन चौकों में भी उनके लिए आवाज उठाएंगे, और जब तक उनको वापस बहाल नहीं किया जाता इंशाल्लाह हम उन मजदूरों के साथ शाना बशाना इस जद्दोजहद में शरीक रहेंगे। एक बात आखिर में मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पास बुनियादी मसाइल जो है उनके लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। बस बस बाद मसाइल ऐसे हैं जिनके लिए हर तबके को मुत्तहिद होना होगा, जिनके लिए वकला को भी, तुलबा को भी, सहाफियों को भी, हर एक शहरों हर एक शहरी को उनके लिए मुत्तहिद होना होगा। मुत्तहिद हुए बगैर, यूनिटी का मुजाहरा किए बगैर शायद ही इस मौजूदा निजाम से हम अपने हक हासिल कर सके। हमें मुत्तहिद होना होगा और इन हुक्मरानों के जो लाने वाले हैं उनसे हम अपना हक तभी छीन सकते हैं जब हम इत्तेहाद का मुजाहरा करें, जब हम इत्तेफाक का मुजाहरा करें। तो आप आज वादा करें कि हम मुत्तफिक होंगे ना इंशाल्लाह, इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। 27 तारीख को यहाँ पर स्टूडेंट मार्च भी है, तमाम जहाँ पर मौजूद हमारे भाई बहने हैं, साफी है, वकला है, डॉक्टर्स हैं, जितने भी लोग आए हैं आप सब लोग उसमें भी शरीक हो, एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी जाकर हम अपने मुतालबात बनवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।